हाय दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड टेक्निकल। दोस्तों, फ़ोन पे एप्लीकेशन के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। दोस्तों, आज मैं आपको फ़ोन पे का दोबारा से ऑफ़र बताने वाला हूँ, जिसमें आपको फ्री में 150 रुपये मिलने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको इसमें बहुत अच्छे अच्छे कैशबैक ऑफ़र भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फ्री 150 लेने के लिए आपके पास कंपलसरी क्या चीज़ें होनी चाहिए। दोस्तों, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो दोस्तों, मोबाइल पे बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी होती है जिस पे ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन हो जाते हैं, जैसे कि कोटक 811 एप्लीकेशन। दोस्तों, ऐसे एप्लीकेशन से आप अपना मोबाइल का अकाउंट ऑटोमेटिक ऑनलाइन खोल सकते हैं एक एप्लीकेशन के थ्रू, और उसको रजिस्टर कर सकते हैं फ़ोन पे एप्लीकेशन पर। सेकंड दोस्तों, बात है कि आपकी उम्र जो है वो 18 साल होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो वो भी चलेगा, जिससे मैं ऐसे ही कह रहा हूँ दोस्तों, 18 साल होनी चाहिए, लेकिन नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन कंपलसरी है कि आपके पास एक डेबिट कार्ड ज़रूर होना चाहिए। अब दोस्तों, आपको 150 रुपये कैसे मिलेंगे ये आपको जानना है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं फ़ोन पे। दोस्तों, अगर आपने फ़ोन पे एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, उसी लिंक से दोस्तों डाउनलोड करने पे आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको लिंक से डाउनलोड कर लेनी है फ़ोन पे एप्लीकेशन। फिर दोस्तों, वहाँ पर सबसे पहले मैं अभी दोस्तों इसमें तो मैं नहीं बता पाऊँगा, बिकॉज मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूँ, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि स्टार्टिंग में दोस्तों आपसे मांगेगा आपका मोबाइल नंबर। दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद दोस्तों, आपका जो अकाउंट है वो पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड डाल के पासवर्ड आपको न्यू क्रिएट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, वो डालने के बाद आपका अकाउंट जो है वो फ़ोन पे एप्लीकेशन पे तैयार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इतना ही नहीं, फिर दोस्तों आपसे बैंक अकाउंट की डिटेल मांगेगा। डिटेल ऐसी नहीं कि आपसे सारे कुछ मांग लेगा दोस्तों, डिटेल यानी कौन सा बैंक अकाउंट है ये मांगेगा। जैसे यहाँ पर दोस्तों, मैं अगर आपको बैंक अकाउंट सेक्शन में जाकर दिखाऊं, दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ आएगा कि आपका बैंक अकाउंट कौन सा है। दोस्तों, आपको ऐसे बैंक अकाउंट जो है वो अपना जो है वो रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे आपके पास कोई भी है, जैसे एयरटेल का अकाउंट है, एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट है आपके पास, दोस्तों वो भी आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो। दोस्तों, जब आप रजिस्टर कर दोगे, यहाँ पर दोस्तों आपको अपना क्रिएट यूपीआई मांगने को बोलता है। फिर दोस्तों, आपको यूपीआई बनानी। यूपीआई बनाने के लिए दोस्तों, जो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आपको अपने डेबिट कार्ड के, वो मांगता है कि डेबिट कार्ड के लास्ट के 6 अक्षर दो और एक्सपायरी डेट दो। दोस्तों, जो एक्सपायरी डेट नीचे लिखी रहती है, लास्ट के 6 अक्षर भी दोस्तों आपको डेबिट कार्ड पर दिख जाएंगे। जैसे दोस्तों आप ये दे दोगे, आपको एक यूपीआई पिन डालने को बोलेगा कि 4 अक्षर का अपना कोई भी यूपीआई जो पिन है, जो आप पेमेंट करते वक्त डालोगे, वो आपको डालना है। दोस्तों, वो सब कुछ करने के बाद आप अपनी यूपीआई जो है वो आपकी तैयार हो जाएगी। अब दोस्तों, आपको पैसा कैसे मिलेगा? दोस्तों, पैसा आपको इस तरीके से मिलेगा कि जो उसका ऑफ़र है कि सेंड मनी वाया यूपीआई और 50% आपको कैशबैक मिलता है। अब दोस्तों, 50% कैशबैक कैसे मिलेगा ये आपको जानना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको जाना है टू कॉन्टैक्ट ऑप्शन के अंदर। फिर दोस्तों, यहाँ पर आपको जाना है वीपीए में या फिर बैंक अकाउंट सेक्शन में, दोनों आपके पास है। दोस्तों, अगर आपके किसी फ्रेंड यूपीआई से अनेबल है, कोई आपका फ्रेंड या फिर आपका कोई दूसरा अकाउंट है और दूसरा अकाउंट यूपीआई पर भी है, दोस्तों वहाँ पर आप ऐड वीपीए कॉन्टैक्ट पे जा सकते हो और अपने दूसरे अकाउंट की यहाँ पर यूपीआई एड्रेस लिख के यहाँ पर डाल सकते हो उसके अकाउंट में बैलेंस। अब दोस्तों, दूसरे के पास बैलेंस नहीं है, आप अपने घर में ही किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा भेजना चाह रहे हो, दोस्तों आप पैसा कैसे भेजोगे? यहाँ पर दोस्तों, डायरेक्टली यहाँ पर बैंक अकाउंट का ऑप्शन है, ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक कर देना। IFSC कोड, अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं है और निक नेम की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे दोस्तों आपने कोई भी नाम लिख लिया, और लिखने के बाद दोस्तों आपके सामने एक ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली दोस्तों आपको इसमें क्लिक करना है 200 रुपये, और फिर दोस्तों 200 रुपये आपको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट से डेबिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कर देना है सेंड। सेंड पर जैसे दोस्तों आप क्लिक करोगे, आपके सामने यूपीआई का पिन मांगेगा, और पिन मांगने के बाद दोस्तों आपकी जो पेमेंट है वो 200 रुपये वो उस वाले दूसरे बंदे को चली जाएगी। अब दोस्तों, पेमेंट आपके पास ही रही है क्योंकि आपने खुद ही भेजी है दूसरे बंदे को पेमेंट। दोस्तों, उससे आप वापस भी ले सकते हो 200 रुपये, लेकिन दोस्तों ये भेजने का आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आप 200 भेजोगे और जो इसका ऑफ़र है कि आपको 50% मिलता है वापस दोस्तों, तो आपके वॉलेट में इंस्टेंटली 50 रुपीज़ जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी आपको मिल जाएगा दोस्तों 100 रुपये दोस्तों आपको इंस्टेंटली आपके वॉलेट में मिल जाएगा, या फिर विद इन 5 मिनट के अंदर
आपके वॉलेट में 100 रुपये आ जाएगा, और दूसरे के बैंक में दोस्तों जो 200 रुपये गए होंगे वो आप उनसे कहकर, अगर आपका रिश्तेदार है कोई भी है दोस्तों, तो वो आप वापस भी ले सकते हो, क्योंकि ये तो है नहीं कि दूसरा बंदा आपने पैसे भेज दिए और वापस नहीं करेगा दोस्तों। आप आराम से वापस क्यों, अगर आपने डाले भी हैं तो दोस्तों आपकी कोई भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 200 रुपये डाले हैं तो। लेकिन दोस्तों 200 रुपये में आपको, उसको तो दे ही दिए आपने, दूसरे बंदे को तो 200 रुपये दे ही दिए, अगर आपने फ्रेंड रिलेटिव्स में दिए तो आप उनसे वापस भी 200 रुपये मांग सकते हो। अब दोस्तों आपके वॉलेट में आ जाएंगे 100 रुपये, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में दिखाता हूँ, जैसे दोस्तों आपके सामने एक ऐसा आ जाएगा 100 रुपये का कैशबैक आ जाएगा आपके पास इंस्टेंटली, और दोस्तों वो आपके वॉलेट में आ जाएगा, वॉलेट में दोस्तों आपके 100 रुपये ऑटोमेटिकली नज़र आने लग जाएंगे। फिर दोस्तों आपको करना क्या है, फिर दोस्तों आपको मोबाइल के सेक्शन में जाना है यहाँ पर, क्योंकि मोबाइल के सेक्शन में दोस्तों 100% कैशबैक है दोस्तों, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मोबाइल के सेक्शन पे जाना, और मोबाइल के सेक्शन में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना मोबाइल पे रिचार्ज कर देना है 50 रुपीज़ का, और 50 रुपीज़ का दोस्तों जैसे आप रिचार्ज कर दोगे, रिचार्ज करने के बाद दोस्तों आपको अपने वॉलेट से पैसे जो है वो डिडक्ट करने हैं, और जैसे ही दोस्तों रिचार्ज सक्सेसफुली हो जाएगा आपके जो 100 रुपये वॉलेट में पड़े हैं वो 100 रुपये नहीं कटेंगे, क्योंकि कैशबैक 50 पे 50 है। यहाँ पर आप साफ साफ दोस्तों पढ़ सकते हो, जो कैशबैक है 100% कैशबैक है, वो 50 के रिचार्ज पर 50 का ही कैशबैक है, और ये 30 सितंबर तक 30 से स्टार्ट हुआ है, 30 सितंबर से ये दोस्तों स्टार्ट हुआ है ऑफ़र दोस्तों। तो इसलिए आपको जो आपके पैसे थे जो आपने रिचार्ज किया 50 रुपीज़ का, आपने वॉलेट बैलेंस है वो आपके 50 रुपीज़ डिडक्ट तो हुआ, लेकिन वो वापस से क्रेडिट कर दिया गया, यानी आपके अकाउंट में आपके वॉलेट बैलेंस में 100 रुपये पड़े ही रह गए। और इसे दोस्तों थोड़ी सी बेकार बात यह है कि इसे हम वापस बैंक अकाउंट में नहीं ले सकते, इसका हम दोस्तों यहाँ पर DTH ब्रॉडबैंड इलेक्ट्रिसिटी जो भी आपको रिचार्ज करना है, जिसको भी पैसे भेजने, तो दोस्तों आप वो ये काम में ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये फ़ोन पे एप्लीकेशन के अंदर ही आपके यूज़ होंगे। दोस्तों अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना है तो दोस्तों उस पर भी आपको 100 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा, अगर दोस्तों आपको 500 का बिल है दोस्तों तो 500 तो 100 आपके वॉलेट से कट जाएंगे, 400 आपको अपने बैंक से कटवाने पड़ जाएंगे दोस्तों। ऐसे करके दोस्तों यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कुछ अर्न कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर आपको जब आप अपने पाँचवीं ट्रांजेक्शन करोगे दोस्तों आपको मिलेंगे 50 रुपीज़ दोस्तों। जैसे आपने पहली ट्रांजेक्शन तो ये हो गई, फर्स्ट UPI में आपको 100 रुपये मिल गए, सेकंड ट्रांजेक्शन आपके मोबाइल की हो गई दोस्तों, तीसरी चौथी ट्रांजेक्शन जो है वो आप कहीं भी कर देना कुछ भी, और जो दोस्तों आप पांचवी ट्रांजेक्शन करोगे वो दोस्तों आपको करनी है 100 रुपये की किसी बैंक में या फिर किसी UPI एड्रेस पे जिस पे आपने पहले करी हो। जैसे दोस्तों आप पांचवी ट्रांजेक्शन करोगे दोस्तों उस पे भी आपको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल जाएंगे दोस्तों। इससे बढ़िया ऑफ़र अभी तक तो फिलहाल है नहीं, और ये फ़ोन पे वाले आगे से भी बहुत अच्छे ऑफ़र दोस्तों प्रोवाइड करते आ रहे हैं दोस्तों। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपके पास ये सब चीज़ डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों, प्लीज़ फ़ोन पे एप्लीकेशन पे जाइए, बहुत ही अच्छे ऑफ़र चल रहे हैं दोस्तों, इस ऑफ़र का लाभ उठाइए दोस्तों। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर देना, और लाइक देने के साथ दोस्तों नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।